विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद। रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। गढ़वा जिला अंतर्गत रमना प्रखंड के पंचायत हरादा कला में उप प्रमुख सह भाजपा नेता रविंद्र कुमार चौधरी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर रविंद्र कुमार चौधरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अत्यंत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। 3 साल की उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था तथा 7 साल की उम्र में उनकी माता जी का भी देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई करने लगे। वे पढ़ने में काफी तेज तरार थे। उन्होंने मैट्रिक, इंटर तथा बीए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। उन्होंने यह साबित किया कि यदि हम कोई भी कार्य मेहनत तथा लगन से करते हैं तो गरीबी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। उन्होंने कई पत्रिकाएं भी लिखी। वे राष्ट्र हित के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिए थे। वह गरीबों से बहुत प्यार करते थे। उनका सोच था कि सभी भारत के लोग एक जैसे हो जाएं, आपस में कोई भेदभाव नहीं रहे, अमीरी गरीबी की खाई भी मिट जाए। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय स्टेशन पर रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। आज मुगलसराय स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम को जिला सेवा प्रमुख संजीव कुमार गुप्ता ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पंचायत के घुरमल चौधरी, बबलू यादव, विजय राम, वीरेंद्र चौधरी, विनोद चौधरी, सकेंद्र चौधरी, असरफी चौधरी, रामधनी चौधरी, रोशन गुप्ता, जितेंद्र सिंह, रवि रंजन चौधरी, कमलेश चौधरी, मुकेश चौधरी, संतोष चौधरी सहित काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।